अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली लवली सब्सक्राइबर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम की रेसिपी, आम की रेसिपी यानी के अचार की रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने ले लिए हैं 2 किलो आम और इन्हें बीच में से काट के 4 टुकड़े करके 2 टेबल स्पून करीब इसमें हमने डाला है नमक और ओवरनाइट इसको रख दिया था ऐसे ही। तो ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ चुके हैं और जिसे कहते हैं चराना, हमने वो करा है इसको। और अब चलिए इसके मसाले ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया है 1/2 कप साबुत धनिया और 1/4 कप मैंने ली है यहाँ पर सौंफ। सौंफ का टेस्ट अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए थोड़ी ज़्यादा ली है। 2 टेबल स्पून करीब लिया है मैंने यहाँ पर ज़ीरा और 2 टेबल स्पून यहाँ पर लेंगे अजवाइन। और 2 टेबल स्पून लेंगे यहाँ पर कलौंजी। ये सभी अचार के मसाले हैं। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर लिया है मैंने मेथी दाना और 1 टेबल स्पून राई। राई के बिना तो हमारा अचार का मसाला कंप्लीट ही नहीं होता। ये अमूमन हरी मिर्च के अचारों में या और अचारों में डलती है खट्टे खट्टेपन के लिए, बट हमने इसको इसीलिए कम डाला क्योंकि ये खटास देती है और आम ऑलरेडी खट्टे होते हैं। बट इनके बिना भी हमारा जो अचार है वो इनकम्प्लीट रहता है। तो साबुत लाल मिर्ची 5 डाली हैं मैंने और इन सभी मसालों को पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर जला दिया तो हमारे जो अचार का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे जब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से एकदम अच्छी सी फ्रेग्रेंस पूरे किचन में नहीं फैल जाती इन सभी मसालों की। तो ये अच्छे से अब फ्राई हो चुके हैं मैंने बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर आप गैस पे कर रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम करें और अगर इंडक्शन वगैरह पे कर रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पर इसको सेट करके और थोड़ी थोड़ी देर में से चलाते रहें। तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से अब फ्रेग्रेंस आने लगी है इसकी। और अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी के जार में बारीक सा पाउडर बनाने के लिए। सेमी ग्राइंड सा करेंगे हम इसको, नीचे का बारीक पाउडर वो ऑलरेडी बन जाएगा, ऊपर हमारा साबुत साबुत सा रह जाएगा, आप देख सकते हैं। बस कुछ इसी तरीके का मसाला हमें चाहिए होगा अपने आम के अचार के लिए। तो इट्स रेडी, अब इसको रख देते हैं साइड और जो आम हमने चराने के लिए रखे हुए थे पहले उससे पानी में से अलग कर लेते हैं। वो अचार का पानी है वो भी इसमें ऐड करेंगे पर बाकी मसाले डालने के बाद। तो इसे सभी आमियों को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया और पानी इसी भगोने में छोड़ दिया है, इसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो बाकी हम इसमें वो मसाले ऐड करते हैं जो हमने पहले ग्राइंड करके रखे हुए थे सभी मसाले। अब इसको डालने के बाद हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं हर वक्त। तो 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर इसको कलर इन्हांस करने के लिए और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी वाला है, ये भी थोड़ा सा कलर इन्हांस करेगा। नमक हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें 1/2 कप धनिया ऑलरेडी साबुत वाला डाला है, वो भी पिस कर डल गया है। अब तो अब इसमें डाला मैंने 1 लीटर इसे अच्छे से डालकर, इसको अच्छे से डालकर भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सरसों का तेल मैं पूरे अचार में इतना डालूंगी कि आम की जो फांके हैं वो उसमें डूबी रहें। आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें कम ऐड किया है बट लास्ट में मैंने बिल्कुल इतना ही ऐड किया था जो बिल्कुल मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में। इस टाइम पर 1 ही लीटर हम ऐड करेंगे और इसको डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारी आम की फांके हैं वो अच्छे से एक एक पर ऑयल भी लग जाए, मिक्स भी हो जाए। और अब मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ वो पानी जो आम का ही था जिसमें से हमने ये आम निकाले थे, बस वो भगोने में लेफ्ट ओवर छोड़ दिया था। तो अब वो भी ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हर चीज़ को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है अभी, और जब हम 10 से 15 दिन इसको धूप में भी रखेंगे तभी भी हमने इसको 1-2 बार से अलट पलट ज़रूर करना है। और चलिए अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं उस जार में जिसे मैंने पहले से धूप लगा कर रखा हुआ है, अच्छे से धोकर, कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, चौड़े मुंह का होना चाहिए ताकि ये अच्छे से हम इसको कुछ चीज़ निकालें या चलाएं या चार को ऊपर नीचे करें 2-4 दिन में तो ये आराम से हो जाए। तो अब इसमें सारा अचार ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरीके से और फिर ऑयल डालेंगे लास्ट में। मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी और जब धूप में रखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी तब आप देखिएगा उसमें बिल्कुल इतना ऑयल है कि 1-1 इंची उसमें अचार अच्छे से डूबा हुआ है। तो दिखाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में आपको। तो सभी आम जो है मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिए हैं
तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया है, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना टैम्पटिंग लग रहा है देखने में भी। अभी तो ये रेडी भी नहीं है, तभी देखते ही ऐसा लग रहा है कि हम इसको उठाएं और खाना शुरू कर दें, अचार से, पराठे से, रोटी से, दाल से, या किसी भी ऐसी पूरी से हम इसको खाना पसंद करेंगे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली बार नई किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया है, ये देखिए आप देख सकते हैं